कि मैं भी एक पहलवान खानदान से हूँ। दरअसल प्रकृतिया बात क्या है कि मेरे जो दादाजी थे वो मुझे पहलवान ही बनाना चाहते थे, तो मेरी जिद थी कि मैं डॉक्टर बन गया। जब डॉक्टर रणवीर और मिस्टर नटू के बीच में कुश्ती का मैच होएगा। ये लगा, लेकिन अभी भी मैं कह रही हूँ, अगर आप लोग पीछे हटना चाहते हैं तो हट सकते हैं, अपना इरादा बदल सकते हैं। नटू ने कहा, दिया जी, नटू का इरादा इरादा नहीं बल्कि फौलाद है जिसको सैलाब भी मिटा नहीं सकता, और वो तूफान है जो रुख मोड़ नहीं सकता। वाह, रणवीर ने कहा, और मेरा इरादा कोई तारीख नहीं है। कि आप लोग कुश्ती लड़ेंगे, नो चेंज इन डिसीजन, इरादा पक्का है। अच्छा सुनिए ना, मैं आपके लिए वो वाला पापड़ सीखूं या ये वाला पापड़ सीखूं? क्या? अरे मेरा मतलब है कि साबूदाने का पापड़ सेकू या बटाटे का पापड़ सेकू? अरे इधर मेला पापड़ सेका हुआ है और तुम क्या मेरे को पापड़ सेकने के बारे में बोल रही हो? देखा, आपको ना मेरी कदर ही नहीं, उसको मारा। अयो अयो मैडम, आपको पापड़ सेकने का है ना तो सेको। मैं बोलता हूँ कौन सा, आपको वो उड़द का पापड़ सेकना, मूंग का पापड़ सेकना, आलू का पापड़ सेकना, पोटैटो का भी पापड़ सेकना, सेक के लाना, इनको खिलाना, हमको भी खिलाना, बिकॉज़ आई लव पापड़। अगम्मा बस करो। सॉरी सर, क्लास पर। एंड आई लव पापड़। अगम्मा सॉरी। तो ठीक, तो ये तय हो गया, एक घंटे बाद सब लोग मैदान में मिलेंगे जहाँ डॉक्टर रणवीर और नत्थू के बीच में कुश्ती होगी। दुनिया का ही नंबर वन पहलवान बन जाता। ओह इंटरेस्टिंग।
ऐसी बातें करता हूँ मैं। जी बिल्कुल। हाँ वो अलग बात है कि मुझे किसी की तरह से ऊंची ऊंची हाँकने की आदत नहीं है। ना तू चलो काम करो, जल्दी से लेट जाओ, आराम करो, फिर मैं आता हूँ इंजेक्शन ले। समीम भाई पानी देना। चेयर दो ना उनको। ग्लास बंद कर, ग्लास बंद। Rolling. Rolling. Action. LMC. Red either. Semi. Okay. I know. कैसे मालूम है, क्योंकि मैं भी एक पहलवान खानदान से हूँ। दरअसल रफ़िदिया, बात क्या है कि मेरे जो दादाजी थे वो मुझे पहलवान ही बनाना चाहते थे। ये तो मेरी जिद थी कि मैं डॉक्टर बन गया। जी क्या हुआ नथु जी, आपको ये हंसी क्यों छूट रही है? क्या है ना डॉक्टर बाबू, अभी आपने जो कुछ भी कहा उससे ये तो लगता नहीं है कि ये पहलवान के खानदान। नहीं क्या है ना डॉक्टर बाबू, अभी आपने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर और आपको ऐसे देखकर लगता नहीं कि आप पहलवानों के खानदान से हैं। पहलवानों के खानदान से तो ऐसे होते हैं। क्या आप पहलवानों के खानदान से हैं? आपको मालूम नहीं? बताओ। नहीं तूने कभी बताया नहीं, बताया नहीं कि मैं पहलवानों के खानदान का हूँ। गलती हो गई। बदतमीज, माफ करना, इसकी गलती है। इसने इसने बताया नहीं कि मैं पहलवान। प्रेमो पहलवान का नाम सुना आपने? नहीं। सुनेंगे भी कैसे? आज मैं अपने खड़े हो जाऊंगा। अच्छा चलो, तू बैठे बैठे करो। मोमेंट रखना बस। हाँ चलेगा। प्रेमू पहलवान का नाम सुना है आप लोगों ने? सुनेंगे भी कैसे? मेरे नाना जी ने कभी इतनी पब्लिसिटी की नहीं। बहुत बहुत बड़े, बहुत बड़े, बहुत ही गुनी, बहुत ही नामचीन पहलवान थे। पहलवान, लोग कसमें लेते थे उनकी, कसम से। हाँ, दीदार करने के लिए लाइन लगती थी उनकी। एक बार अगर किसी के कंधे पे प्यार से उन्होंने हाथ रख दिया तो दुनिया से उड़ जाता था। तू उठता क्यों नहीं है यहां से? वो देश का मशहूर पहलवान बन जाता था। ऐसे थे। मैं झूठ नहीं, मैं झूठ बोलूं? बिल्कुल। अरे बस कर नथु, बस कर। माना कि तेरे नाना जी किसी को प्यार से छू लेते थे तो वो दुनिया का, सॉरी, माना कि तेरे नाना जी किसी को प्यार से छू लेते थे तो वो देश का बड़ा पहलवान बन जाता था। पर डॉक्टर दिया, मेरे दादाजी अगर किसी की फोटो को ऐसे टच भी कर लेना तो वो दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान बन जाता था। अभी जी दादाजी जी, हाँ वो अलग बात है कि बाकी भी लगा भी आपके भी हाँ। थोड़ी एक्शन। क्या आपके तो उधर से एग्जिट कर दे उधर एंड मैस हाँ। थोड़ी एक्शन। हाँ भैया जी, बात क्या है ना कि मुझे बाकी दुनिया की तरह लंबी लंबी हाँकने की आदत तो है नहीं। जो सच होता है मैं तो वही बोलता हूँ। आइए ना, मैं आपको बाकी और किस्से भी सुनाता हूँ। बहुत किस्से हैं नाना जी के, इतने किस्से हैं कि आप सुनते सुनते बूढ़े हो जाएंगे। नहीं मतलब रात बीत, दिन बीत जाएगा। आइए, अरे एक मिनट जरा नथु जी, आप आराम से बैठ के आराम कीजिए। थोड़ी देर में मैं आता हूँ किस्से सुना के, इंजेक्शन देने। आपके दादाजी के भी किस्से सुने, सॉरी नाना जी के भी किस्से सुने। चलिए आइए। एक बार क्या हुआ, आप भी आराम करना। ओके
मैम नहीं है।